हेलो एवरीवन वन माई सेल्फ मुकुल तिवारी आई एम फैकल्टी इन जे एम एकेडमी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से हम जो अपकमिंग आई एम एग्ज़ाम है उसमें केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकें आई एमयू का एग्जाम होता है उसमें केमिस्ट्री के ट्वेंटी uh, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ मैं जो आपको पढ़ना है जिससे आप अप्रॉक्स नाइन्टी टू नाइन्टी स्कोर कर सकते हैं आई एम के एग्जामिनेशन में मैंने केमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करा है जनरली केमिस्ट्री आपको इलेवेंथ और ट्वेल्थ की पढ़नी होती है मैंने केमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड कराया फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर हम आई यू का मॉक उठा के देखें जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे और फिजिकल केमिस्ट्री में भी वो ट्वेल्थ क्लास के ज़्यादा चैप्टर थे तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपको देखते हैं सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिन चैप्टर्स के आगे मैंने स्टार मार्क करा हुआ है ये इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिकल बॉन्डिंग थर्मोडाइनेमिक स्टेट्स ऑफ मैटर केमिकल कैनेटिक्स इक्विबेरियम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन ये दोनों कंबाइंड चैप्टर्स हैं आपके इलेवंथ और ट्वेल्थ के तो सबसे ज़्यादा आपको अपना स्ट्रॉन्ग जो करना है वो फिजिकल केमिस्ट्री जनरली केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री सबसे आसान होती है और आईम्यू ज्यादातर क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से ही उठाता है उसके बाद जो मेरी अगली केमिस्ट्री है वो मैंने डिवाइड करी हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इलेवेंथ और ट्वेल्थ का अगर सिलेबस देखें एनसीआर का तो उसमें एस ब्लॉक है ठीक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तक जब भी आई मी एग्जाम लेता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आई से वो सवाल कभी नहीं छोड़ता तो ये आपको करके जाना एक क्वेश्चन कंफर्म आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपीएससी से देखने को मिलेगा बाकी जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं उसमें एनसीआर के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड देखने को मिलेंगे तो आपको ये कवर करके जाना है डी एफ ब्लॉक के बारे में आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखनी है जनरली एस पी डीएफ के बारे में आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखनी है बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर हो जाता है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है तीसरा जो मैंने डिवाइड करा है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंपलेस्ट वे में पढ़ने का तरीका मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड बनाएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई जो आई आई जरूर पूछता है आई दूसरा वेरियस इफेक्ट चाहे वो इंडक्टिव हो हाइपर कंजुगेशन हो मीजोमेरिक हो रेजोनेंस हो इससे रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं जितने भी इफेक्ट्स हैं वो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करेंगे उसके बाद आता है आपका आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म से भी देखा गया है कि एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है और सबसे आखिरी एरोमेटिसिटी जो आप स्पॉन्सरशिप के भी टेस्ट देते हैं उसमें भी एरोमेटिसिटी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इतना पोर्शन कवर करेंगे तो आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी कमांड बना सकते हैं आखिरी जो मेरे पास रहता है वो है नेम रिएक्शन ठीक है अगर मैं देखा जाए देखा तो 11th और 12th की जो इलेवेंटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वो बहुत वास्ट है तो उतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ना हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो आपको इलेवेंथ क्लास की बुक में देखने को मिल जाएंगे उसके बाद इलेवंथ और ट्वेल्थ की आपको नेम रिएक्शन पढ़नी है अब नेम रिएक्शन में भी हम मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे नेम रिएक्शन हमको किस तरीके से पढ़नी है सबसे पहले आप ट्वेल्थ की नेम रिएक्शन कवर करेंगे उसके बाद टाइम बचता है तो हम किसकी कवर करेंगे इलेवंथ क्लास की नेम रिएक्शन कवर करेंगे नेम रिएक्शन में भी हम मैकेनिज्म में बिल्कुल नहीं जाएंगे कोई भी एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है तो आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इस नेम रिएक्शन में मैंने रिएजेंट कौन सा लिया है या इस नेम रिएक्शन में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है तो हम नेम रिएक्शंस की रीडिंग लगाएंगे और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं आईमयू सी टी में ट्वेंटी में से एटीन फिफ्टीन टू एटीन क्वेश्चन इजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे थैंक यू सो मच